जैसे देख सकते हो ये वन डे गो जाने की ये मैंने डीएम्स कल ही किए हैं और इस बंदे के साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पर मैंने जिन भी लोगों को डीएम किए हुए हैं वो थोड़े फैटी लग रहे हैं जैसे आप देख सकते हो। तो अगर आपकी रील्स ग्रो हो रही है, वायरल हो रही है, देन आपको भी ऐसी क्वेरीज आती होंगी। तो ये देखो ये ईमेल्स उन्होंने दिए हुए हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमारा एक मैसी टेम्पलेट क्राफ्ट हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सिंदर सिंह। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर लोगों को डीएम कर सकते हो। मुझे बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, वो सभी यही पूछ रहे थे कि हमको मैसेज टेम्पलेट कैसे बनाना है और कैसे लोगों से बात करनी है। तो ये एक फुल वीडियो इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रेटेजी पर होने वाली है ताकि आप लोगों को लोगों से बात करने में और कैसे आपको अपना एक मैसी टेम्पलेट क्राफ्ट करना है उस चीज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो जिन भी लोगों को इंस्टाग्राम में डीएम करने में दिक्कत आ रही थी तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डीएम्स क्या होते हैं, कैसे आप अपना एक मैसी टेम्पलेट बना सकते हो और किन लोगों को आपको टारगेट करना है ताकि आपकी मैक्सिमम सेल्स जनरेट हो। तो ये भी बाकी वीडियोस की तरह एक फुल प्रैक्टिकल वीडियो होगी। इसमें मैंने कुछ भी आपको वर्बली नहीं बताया, सब कुछ मैंने आपको करके दिखाया हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रेटजी पर किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे ही अपने डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मैं यहाँ पर सभी लोगों का रिप्लाई देता हूँ, हो सकता है आपको रिप्लाई मिलने में 2 से 3 दिन लग जाए बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आप कोई भी अपनी क्वेरी जहाँ आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए मेरे से तो आप उसके रिगार्डिंग अपनी कोई भी क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस मैं आ चुका हूं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी रील्स दिखाता हूं, मेरी बहुत सी रील्स वायरल हो रही हैं। जैसे देखो एक ये रील वायरल हुई है, इस पर 197k व्यूज आए हैं और इस पर मुझे ऑलमोस्ट 3000 लाइक्स आए हैं और 34 कमेंट्स है। इस रील से मेरे अकाउंट की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बूस्ट हुई है बट मुझे सेल नहीं आई है इससे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों के डीएम्स आते हैं मेरे पास कि हमारी रील्स वायरल हो रही है बट उससे हमें सेल नहीं आ रही। तो आपकी रील वायरल होने से आपकी सेल का कोई लेना देना ही नहीं है। आपकी रील वायरल होने से होगा क्या कि जो भी बंदे इंटरेस्टेड होंगे वेट लॉस से, जहाँ तो उनकी क्वेरीज आएगी आपके पास, जहाँ तो वो आपके अकाउंट को फॉलो करेंगे, इससे आपके अकाउंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी, इससे कोई भी आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। हो सकता है उनमें से 2-3 जाने आपकी प्रोफाइल पर दिए गए लिंक के थ्रू प्रोडक्ट बाय कर ले बट मोस्ट ऑफ द चांसेस 99% केसेस में आपको रील्स के थ्रू सेल नहीं आएगी। ये सभी मैंने पर्सनली करके देखा हुआ है, उसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो भी चीजें अपने YouTube चैनल पर बताता हूं वो सभी पहले मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूं देन आप लोगों के लिए लाता हूं। तो जिन लोगों की भी ये क्वेरी है कि हमारी रील वायरल हो रही है बट हमें सेल नहीं आ रही, तो रील वायरल होने से सेल का कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपकी रील वायरल हो रही है उससे आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर्स आएंगे और आपकी पोस्ट पर कमेंट्स आएंगे, आपको उन लोगों को एंगेज करना है उनसे डीएम के थ्रू बातें करके। उसके लिए आपको चाहिए एक मैसी टेम्पलेट। तो ये वीडियो फुली बेस्ड होने वाली है मैसी टेम्पलेट पर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैसी टेम्पलेट क्या होता है, आपको कैसे मैसी टेम्पलेट बनाना है और कैसे लोगों को पिच करना है, बिकॉज बहुत से लोगों को इसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है। उनको मैसी टेम्पलेट का ही नहीं पता चल रहा है कि मैसी टेम्पलेट कैसे बनाना है और लोगों को डीएम कैसे करना है। तो आई होप अब आपको इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि रील्स का आपकी सेल आने से कोई लेना देना नहीं है, इससे आपका अकाउंट ग्रो होगा, आपकी सेल ना आने का रीजन रील्स नहीं है। देन मैं अभी मैं आपको अपने डीएम्स में ले चलता हूँ और मैं डीएम्स दिखाता हूँ कि मैं कैसे डीएम करता हूँ लोगों को। देन मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप ऐसे ही एक इफेक्टिव लुकिंग डीएम टेम्पलेट बना सकते हैं, वो भी एकदम स्क्रैच से। तो ये देखो ये मैं आ चुका हूँ अपने मैसेजेस में, जैसे आप देख सकते हो ये इन लोगों को मैंने डीएम्स किए हुए हैं। जैसे देख सकते हो ये वन डे गो जाने की ये मैंने डीएम्स कल ही किए हैं और इस बंदे के साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही है। जैसे इसका मैसेज आया हुआ है ये इंडिया से है तो ये प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, यहाँ पर आपको एफर्ट लगाने वेस्ट है,
मुझे रिक्वेस्ट भी आई हुई है बिकॉज मेरी रील्स वायरल हो रही है, वहां से मेरे पास न्यू लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको कैसे एंगेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अगर उनको एंगेज करोगे देन आपकी सेल जनरेट होगी, अगर आप उनको एंगेज ही नहीं करोगे तो आपकी सेल नहीं जनरेट होगी। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पर मैंने जिन भी लोगों को डीएम किए हुए हैं वो थोड़े फैटी लग रहे हैं जैसे आप देख सकते हो, तो ये मेरा वेट लॉस वाला अकाउंट है, तो इसमें मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करता हूँ जिनको एक्चुअल में वेट लॉस की ज़रूरत है। मैं और किसी भी स्किनी पर्सन को यहाँ पर डीएम नहीं करता हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो जैसे ये एक मैसेज है, यहाँ पर मैं जावा बन को प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और अगर आप इसका चेक करोगे तो इसका एक भी ईमेल टेम्पलेट आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से ड्राफ्ट किया हुआ है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मैसेज टेम्पलेट बना सकते हो, आपको उस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको किसी भी अगर अननोन बंदे को मैसेज भेजना है तो सबसे पहले आपको उसको ग्रीट करना है, फिर उसको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना है। जैसे यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले लिखा हे वेलकम टू अवर कम्युनिटी, देन उसके बाद मैंने अपना नाम बताया, देन उसके बाद मैंने बताया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। जैसे ये एक फेक टेम्पलेट है, मैंने किसी और पर्सन के नाम पर बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, अपने प्रोफेशन के बारे में बताया हुआ है और बताया हुआ है कि मैं एक मॉम हूं। देन उसके बाद मैंने बताया उसको बताया कि आई सक्सेसफुली लॉस्ट मोर देन 80 लैप्स नेचुरली विदाउट एक्सरसाइज एंड डाइटिंग, नाउ आई एम ऑन ए मिशन टू इंस्पायर पीपल टू लीव ए हेल्थी एंड फिट लाइफ एंड हेल्प देम टू अचीव देयर वेट लॉस गोल्स। तो ये सभी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, आपको अपना माइंड यूज कर बनाना पड़ेगा, बिकॉज जावा बर्न का आपको एक भी मैसी टेम्पलेट नहीं मिलेगा। मैंने ट्राई किया था उसके सेल्स पेज में, मुझे कोई भी मैसी टेम्पलेट नहीं मिला, तो इसी वजह से मैंने अपने पुराने मैसी टेम्पलेट को ही मॉडिफाई किया है। देन उसके बाद मैंने लिखा इफ यू वांट टू लूज वेट और इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ लाइक रिड्यूस स्ट्रेस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स नेचुरली विदाउट एक्सरसाइज एंड डाइट विद 100% नेचुरल वे वाइल ड्रिंकिंग योर कॉफी। तो यहां पर देखो एक लाइन मैंने और ऐड की वाइल ड्रिंकिंग योर कॉफी, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉफी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहां पर ये लाइन ऐड की। देन उसके बाद मैंने कॉल टू एक्शन दिया विजिट माय वेबसाइट वेयर यू विल गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट माय सीक्रेट 100% नेचुरल वेट लॉस रिचुअल। तो ये आपका एक मैसी टेम्पलेट बन गया जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। देन उसके बाद मैंने अपने लैंडिंग पेज का लिंक यहाँ पर सेंड कर दिया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ये जावा वन का लैंडिंग पेज मैंने बनाया था, बट इससे मुझे अभी तक एक भी सेल नहीं आई। मैंने यहाँ पर लास्ट 14 डेज में ऑलमोस्ट 200 लोगों को सेंड किया है, फिर भी मुझे सेल नहीं आई। तो मुझे पता चल गया कि ये वाला प्रोडक्ट अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक में प्रमोट नहीं होगा, तो अभी मैं इसको चेंज करूंगा। मैं आपको ClickBank के हॉप काउंट्स भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को पता लग जाए। देन जैसे मैंने आपको बताया कि रील से क्या होगा कि आपकी एंगेजमेंट आएगी और लोग अपनी क्वेरी पूछेंगे आपसे। जैसे यहाँ पर देखो रेंजर थीफ, इसकी मुझे मैसेज आए थे, ये देखो इसका मैसेज, फर्स्ट मैसेज आया था मुझे वेडनेसडे को, कैन यू गिव सम वेट लॉस टिप्स। तो अगर आपकी रील्स ग्रो हो रही है, वायरल हो रही है, देन आपको भी ऐसी क्वेरीज आती होंगी, तो आपको उनको टैकल कैसे करना ये मैं नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद से ही टैकल करना पड़ेगा, बिकॉज हर पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन डिफरेंट होगी। आप किसी एक पर्सन की कन्वर्सेशन के साथ जज नहीं कर सकते कि आप सेकंड पर्सन को क्या बोलोगे, बिकॉज इसने डायरेक्टली पूछ लिया मुझे कि मैंने वेट लॉस करना है, मुझे टिप्स सजेस्ट कीजिए। देन मैंने उसको बोला श्योर, देन कैन यू टेल मी योर करंट वेट एंड गोल वेट। देन उसने बोला कि 70 मेरा करंट वेट है और 60 मेरा गोल वेट है। देन उसकी एज 70 थी, तो इसलिए मैंने उसको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं किया। और ये सभी बात हुई है यहाँ पर। देन इसने पूछा कि कॉस्ट कितनी है उसकी। देन मैंने उसको पूछा कि आप कहाँ से हो, इसने बोला कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। मुझे यहाँ से पता तो लग गया था कि ये इंडिया से है, बट फिर भी मैंने अपनी शॉर्टी के लिए पूछा कि इंडिया। अब जैसे इसका रिप्लाई आया हुआ है इंडिया, तो ये बाय नहीं करी गई। चाहे आप खुद आजमा कर देख लेना, जो इंडिया वाले पर्सन होते हैं वो कोई भी ऐसा एफिलिएट प्रोडक्ट बाय नहीं करते। आपको क्या करना होगा, आपको उनको कोई छोटा प्रोडक्ट पिच करना होगा जो 1000 या 2000 से नीचे का हो, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देन आप उनको वो प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, उसमें सेल आने के चांसेस 50-50 है। जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एवरेज कमीशन $100 तक है, वहां पर आपको सेल नहीं आएगी इंडिया के लोगों के लिए। हो सकता है किसी को आ जाए जो बहुत ज्यादा लकी होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती। जैसे मैं आपको रिक्वेस्टें भी दिखा देता हूँ, देखो मुझे इतनी सारी रिक्वेस्टें आई हुई हैं, ये सभी इंडिया से ही है जैसे देख सकते हो। ये इसने स्टोरी पर रिएक्ट किया था, ये वो है, जैसे देखो कैसे वेट लॉस किया आपने, आई वांट टू लूज माई वेट, ये भी इंडिया से है, इसी वजह से मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया। ये देखो ये भी इंडिया से आई हुई है,
तो ये सभी डिपेंड करता है अगर आपकी प्रोफाइल की रील्स वायरल होती है, जहाँ तो आपकी प्रोफाइल ऑर्गेनिकली एक्सप्लोर पेज पर रैंक होती है, तब आपको ऐसी क्वेरीज आएंगी। देन आपको उनसे बात कैसे करनी है वो डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा। अगर आपने अपना 100% दिया, बात भी की, अगर उसने फिर भी प्रोडक्ट नहीं किया तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो पर्सन की मर्जी है वो प्रोडक्ट ले या ना ले। आई होप अब आपको समझ लग गया होगा कि आपको कैसे मैसेज करना है लोगों को। ये देखो, ये सभी मेरे फॉलोअर्स हैं, इन्होंने मेरी पोस्ट पर कमेंट किया था और जहाँ तो मुझे फॉलो किया हुआ है तो इसलिए मैंने इन्हीं को ही यहाँ पर DM किए हुए हैं। जी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लैंडिंग पेज का लिंक दिया हुआ है। तो आई होप अब आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि मैसेज टेम्पलेट क्या है और हमको कैसे सेंड करना है लोगों को। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैसेज टेम्पलेट कैसे बनाना है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जावा 1 का है, तो जावा 1 का कोई भी आपको ईमेल टेम्पलेट नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जिसके उन्होंने ईमेल टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, देन आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको उसके ईमेल टेम्पलेट में से ही लाइनें कॉपी पेस्ट करनी है, आपको खुद से इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो फर्स्ट वाली लाइनें हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ेगी। जैसे एक तो ये कॉमन ही आ जाएगी, हे वेलकम टू अमर कम्युनिटी, देन माई नेम इज़, यहाँ पर आप किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। देन ये थर्ड लाइन आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। देन उसके नीचे आपका एक्चुअल मैसेज आएगा, ये सारा आपका एक्चुअल मैसेज होगा। देन नीचे आपका कॉल टू एक्शन आएगा। तो अभी मैं आपको ClickBank के अकाउंट पर ले चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको मैसेज क्राफ्ट करना है। तो ये देखो, ये डेली की रिपोर्टिंग है, डेली 12, 16, 32 हॉप्स, 16 हॉप्स, 12 हॉप्स, ये सभी मुझे Instagram से ही आ रहे हैं ऑर्गेनिकली। मैं DM करता हूँ, वहाँ से भी आते हैं, जहाँ तो मेरी रील्स वायरल होती है तो लोग मेरे दिए हुए लिंक पर भी क्लिक करते हैं, तो ये वहाँ से ही आ रहे हैं। जैसे मैं अभी जावा 1 को प्रमोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो 14 डेज में मैंने 181 लोगों को इस प्रोडक्ट पर सेंड किया है और उसमें से 11 बंदे गए हैं इनिशियल ऑर्डर फॉर्म पर। बट यहाँ पर देखो, किसी ने भी कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं किया। तो अब मुझे पता चल चुका है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा। हो सकता है आपके लिए ये काम करे और आपको यहाँ से सेल्स भी आए, बट मेरे लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इस प्रोडक्ट को भी चेंज करूँगा। देन मैं आपको मार्केट प्लेस में ले चलता हूँ, तो टॉप प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो देखो, एक तो ये है जावा 1, यहाँ पर आपको मैसेज टेम्पलेट नहीं मिलेंगे। तो एक ये है, जैसे ये मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ बस, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि मैसी टेम्पलेट आपको कैसे क्राफ्ट करना है। बाकी अगर आप ओकिनावा फ्लैट बेली टोनी को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करने की सोच रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी जो VSL है वो वहाँ पर वर्क नहीं करती। इसकी जो वीडियो आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये वाली वीडियो है, जब आप इसको इंस्टाग्राम पर प्ले करोगे तब ये प्ले नहीं होगी। मैं अभी भी देखता हूँ बहुत से लोग इसको ही प्रमोट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ट्रैफिक भेजकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज इसकी जो VSL है वो प्ले ही नहीं होती, तो लोग प्रोडक्ट कैसे बाय करेंगे। तो जो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम पर इसको प्रमोट करना बंद कर दीजिए, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। देन जैसे ये ही है, इसके आपको एफिलिएट सपोर्ट पेज में जाना है। जैसे देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखो, ये इसका एफिलिएट सपोर्ट पेज आ गया, जहाँ से आपको इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मिल जाएंगी। जैसे देखो, यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं टॉप कन्वर्टिंग ईमेल स्वाइप्स, तो ये है ईमेल्स, तो यहाँ पर टैप करता हूँ, तो ये देखो ये ईमेल्स उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमको इनमें से कोई एक ईमेल टेम्पलेट को यूज़ करना है अपना मैसेज बनाने के लिए। जैसे फ्रॉम बिग स्टमक, ड्रिंक डेली, सब्जेक्ट लाइन ड्रिंक दिस बिफोर बर्न, जैसे देखो ये लाइन है, ये आपकी मेन टाइटल लाइन हो जाएगी। जैसे ये भी एक सब्जेक्ट लाइन है, इसको भी आप अपने सब टाइटल के तौर पर रख सकते हो। Drink this Japanese tonic in the morning to burn 3 laps every 3.5 days. तो मैं आपको इस ईमेल टेम्पलेट को मैसेज में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं आपको ले चलता हूँ नोटपैड पर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको लोगों को ग्रीट करना है जो भी हमारे पेज पर आएंगे। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है, हे वेलकम टू आवर कम्युनिटी,
ये आ गया। ये तो आपको हर एक मैसेज में इंक्लूड करना ही होगा, बिकॉज सबसे पहले आप उसको ग्रीट ही करोगे, देन उसके बाद आपको लिखना है अपने बारे में, इंट्रोडक्शन देनी है। जैसे आ गया माय नेम इज, जो भी नाम आप रखना चाहो यहाँ पर आपका वो नेम आ जाएगा। देन उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या करते हो। जैसे तो जैसे ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया कि आई एम ए फिटनेस कोच, यहाँ पर आपने अपने बारे में बता दिया है और आपने उनको ग्रीट भी कर दिया, जो भी बंदा आपकी प्रोफाइल पर न्यू आया है या जिसने भी आपको फॉलो किया है। देन यहाँ पर नीचे से आपका मैसेज स्टार्ट होगा, तो मैसेज के लिए सबसे पहले आपको दिए है जैसे ड्रिंक दिस जापानीज टॉनिक इन द मॉर्निंग टू बर्न 3 laps एवरी 3.5 days, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे देखो उसके बाद सीधे ही आ गया ड्रिंक दिस जापानीज टॉनिक। तो ये लाइन अपनी जो मैसी टेम्पलेट है उससे रिलेट नहीं कर रही है, ऐसे लग रहा है ये पहले की दो लाइनें अलग है और ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाली हुई है। तो आपको ऐसे नहीं लगने देना, आपको इसको ऐसे बनाना कि जैसे ये एक ही मैसेज का हिस्सा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पर मैंने लाइन बना दी है, तो सिंपली यहाँ पर देखो आई एम होनर टू इंट्रोड्यूस यू दिस अमेजिंग जैपनीज ड्रिंक। देन उसके बाद मैंने एक और लाइन ऐड की है, ड्रिंक दिस टॉनिक इन द मॉर्निंग टू बर्न 3 laps एवरी 3.5 days। तो यहाँ से देखो हमारी ये लाइन है वो इसी मैसी टेम्पलेट का एक हिस्सा लग रही है, वो अलग से ऐड ऑन की हुई नहीं लग रही। तो ऐसे करके आपको बाकी की लाइंस भी ऐड करनी है, एक बार आपका ये हो जाएगा देन आप बाकी के ईमेल को एज इट इज ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर उन्होंने लिंक दिया हुआ है, आप मैसी टेम्पलेट में चाहो तो लिंक दे सकते हो, उसके लिए आपको वर्ड पर जाना पड़ेगा, वर्ड में जाकर आप यहाँ पर लिंक दे सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं देना तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है आपको इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है, जैसे ये देखो ये रहा। तो देखो ये हमारा एक मैसी टेम्पलेट क्राफ्ट हो चुका है, हमने इसमें से कुछ भी ऐड नहीं किया, सब बस हमने ये फर्स्ट लाइन ऐड की यहाँ से जो हेड पार्ट होगा इसका, और अब हमको यहाँ पर इसकी जो एंडिंग होगी उसको एडिट करना पड़ेगा, बाकी हमको सारा मैसी टेम्पलेट बना बनाया ही मिल गया है। ऐसे करके आप एक इफेक्टिव मैसी टेम्पलेट बना सकते हो अपनी ऑडियंस को सेंड करने के लिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, तो देखो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है टू नो मोर विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट बिलो। तो इसके नीचे आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये देखो इस मैसेज में मैंने किया हुआ है, यहाँ पर क्लियर कट कॉल टू एक्शन आ गया और उसके नीचे आपका लिंक आ गया। आपको ध्यान रखना है कि अपना जो लिंक देना है आपको वो बिटली के थ्रू शॉर्टन करके ही देना है, ताकि आपको ट्रैक रहे कि आपके लिंक पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं और वो कहां से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप एक इफेक्टिव मैसी टेम्पलेट बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस ये जो हेड पार्ट होगा यहां पर ध्यान देना है और आपको ये जो क्लोजिंग पार्ट होगा यहां पर ध्यान देना है, बाकी आपको एज इट इज़ मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट के एफिलिएट सेल्स पेज से। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का सेल्स पेज ही नहीं है तो वह आपको क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ी लाइनें डिलीट करके जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो उसकी VSL देखिए पहले वो किस चीज़ के लिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत क्राफ्ट करके बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप जिन भी लोगों को मैसी टेम्पलेट बनाने में दिक्कत आ रही थी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारे डाउट्स और दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो या आपको कोई चीज़ समझ ना लगी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो अपनी क्वेरी। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप अपनी क्वेरी मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। तो गाइज बस यही था आज की वीडियो के लिए, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज मिस ना कर दे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।